वेलकम डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और इस वीडियो से हम लोग पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके एंड पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में रिक्वायर हैं, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर थे पहले वो रिकॉल करा देते हैं आपको। फर्स्ट था नंबर ऑफ जीरोस पता करना था ग्राफ से, वो बता दिया। दूसरा था कि जीरोस पता करना था और रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, वो बता दिया। थर्ड था डिवीजन एल्गोरिथम था, तो डिवीजन एल्गोरिथम को मैंने फाइंडिंग जो फोर जीरोस था उसके बेसिस पे मैंने उसमें ही करा दिया है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि डिवीजन एल्गोरिथम सर छूट गया है। डिवीजन एल्गोरिथम को मैंने वहां पे ऑप्टेन फोर जीरो वाले में करा दिया है। फिर भी अगर डाउट कोई रह जाएगा तो एक वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम का भी आपके डिमांड पे बना दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब डिवीजन एल्गोरिथम में एक चीज आती है, फैक्टर है कि नहीं ये चेक करने वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। जब आप एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जैसे कि मैंने दोनों क्वेश्चन फोर जीरो वाले कराए हैं उसमें रिमाइंडर जीरो आ गया था, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। फिर से समझते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब जब डिवीजन मतलब डिवीजन हम करते हैं और रिमाइंडर जीरो बचता है, तो जो डिवाइजर है उसको हम कहते हैं कि वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। बस यही एक टॉपिक था, तो मैंने उसमें वो कंक्लूड करा दिया और जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें बता दिया। फिर भी अगर डाउट होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझा दूंगा। फिर अगला टॉपिक था ऑप्टेन फोर जीरोस, तो फोर जीरोस करा दिया। एक टॉपिक और है बच्चों, क्यूबिक क्यूबिक एक्सप्रेशन का, लेकिन उसमें बच्चों अभी मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा उसको कि क्यूबिक है कि नहीं सिलेबस में आपके, क्योंकि पहले जो था प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर में, मैंने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर तक ये था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर वो सिलेबस में इंक्लूड हो गया होगा, देख लेंगे अभी, तो फिर मैं उसको भी करा दूंगा, मतलब आपके एक से दो वीडियो जो है वो बनेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये जो है ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट आपका वीडियो है। ठीक है, फिर अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि लगाना ही है, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन मैक्सिमम टेक्स्ट बुक से लिया है, कुछ बाहर से लिया है, तो अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो जब कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का, पांच छह क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनको मैं एक वीडियो में करा दूंगा, तो इस तरह से आपका सारा डाउट क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि सर पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास है, ऐसा मत सोचिए। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन में डाउट होगा, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें छः सात क्वेश्चन जितने भी इकट्ठा हुए रहेंगे उन सबको एक साथ मैं बता दूंगा। ठीक, लास्ट टॉपिक क्या बचा था, मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बताया था बच्चों कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसकी मदद से दूसरा पॉलिनोमियल बनाना होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा है कि अल्फा बीटा जीरोज है इसके, तो हमको पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस क्या हो, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा है टू अल्फा बाई बीटा, फिर क्या है टू बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो यानी एक पॉलिनोमियल दिया था, फिर एक पॉलिनोमियल बनाना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। तो सीखने के लिए बच्चों आपको तरीका पता है, मेरे साथ साथ आपको लगाते चलना है, ये नहीं कि वीडियो ऑन कर लिए और आराम से देख रहे हैं, ऐसा मत करिए। पेन पेपर लीजिए, मेरे साथ साथ हर स्टेप को अपने कॉपी में भी करिए, तभी इसका 100% फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे और आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों ये तो जीएस की क्लास है नहीं, जीएस का मतलब आपके हिस्ट्री सिविक्स एसएसटी की क्लास तो है नहीं, इंग्लिश की क्लास तो है नहीं कि चलिए अच्छा सुन लिए, याद कर लिए, लिख देंगे, इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब तक आप करोगे नहीं तब तक फंसोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन में फंसोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। तो चलिए शुरू किया जाए वीडियो को। तो ये पॉलिनोमियल दिया है, जिसको हम लोग मान लेते हैं px x² - 2x + 3। अब इसके जीरोस बच्चों क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी जीरोस दे देगा तो आपको दो चीज एकदम दिमाग में रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, लिख देना है कितना हो जाएगा -b/a। बताइए b कितना है यहाँ पे, -2 है,
तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, और ये कितना है बच्चों वन, तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा टू हो गया। ठीक, अल्फा बीटा देख लेते हैं, तो अल्फा बीटा कितना होता है बच्चों सी बाई ए, तो बताइए सी कितना है वन, ए कितना है, सी कितना है थ्री, ए कितना है वन। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तब भी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बना लेना है। ठीक, अब आगे क्या करना है देखिए बच्चों, को पॉलीनोमियल बनाना है, तो पॉलीनोमियल को बनाने का तो एक ही फार्मूला है ना, हमने बताया, वो फार्मूला क्या है लिख लेते हैं पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पॉलीनोमियल जो बनेगा उसका कुछ नया नाम देते हैं, तो क्या देते हैं क्यू एक्स नाम देते हैं। और बच्चों ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ जीरो, यही होता है ना, यही तो होता है फार्मूला, प्लस आपका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही होता है बच्चों, हाँ यही होता है सर। ठीक, तो यानी कि हमको क्या निकालना है सम ऑफ जीरो और क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो पॉलीनोमियल हमको बनाना है बच्चों उसका जीरोस दिया है, उसका जीरोस क्या है, अब अल्फा ना होके क्या है अल्फा प्लस टू है, और बीटा ना होके बच्चों क्या है बीटा प्लस टू, मतलब ये नए जीरोस हो गए। ठीक, तो हम इनका पहले क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो चलिए सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले बच्चों। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे मतलब इन दोनों का क्या करना है हमको सम करना है, चलिए कर लीजिए। तो अल्फा प्लस टू प्लस क्या हो जाएगा बीटा प्लस टू, तो बताइए कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर। अरे वाह सर, ये तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता ही था, पता ही है कितना है बच्चों टू है, तो बताइए ये कितना हो गया टू प्लस फोर कितना होगा बच्चों सिक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोस की जगह बच्चों हम कितना रख देंगे सिक्स रख देंगे आसानी से। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों हम निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे तो बताइए क्या है अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू। अब हमको इसका इंटू करना आता है बच्चों, पहले अल्फा का करेंगे उन दोनों में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बीटा प्लस टू, फिर टू का करेंगे इन दोनों में तो बीटा प्लस टू, तो देखिए क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू। फिर अगर हम देखें कि अगर टू इसमें से कॉमन ले लें बच्चों, टू कॉमन दिख रहा है ले लिया प्लस टू, अरे वाह सर ये तो बहुत आसान हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है थ्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है टू है, रख दीजिए। तो अल्फा बीटा कितना है थ्री प्लस टू इंटू टू प्लस कितना है टू, तो देखिए थ्री प्लस फोर प्लस टू, तो ये कितना हो गया बच्चों नाइन। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सम ऑफ जीरोस की जगह बच्चों कितना रखेंगे सिक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह बच्चों कितना रखेंगे नाइन, चलिए रखते हैं। तो अब क्या हो गया पॉलीनोमियल जो हमको बनाना था एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की जगह बच्चों कितना रखेंगे सिक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखेंगे बच्चों नाइन। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो भी नया जीरोस दिया रहेगा उसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, और उसमें अल्फा बीटा आएगा या तो अल्फा प्लस बीटा आएगा अल्फा बीटा आएगा, उसकी वैल्यू रख देंगे फिर सम ऑफ जीरोस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करिए इस वीडियो को पॉज करिए, यहीं पे पॉज करिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों वो आप अपने से ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, चलिए तुरंत करिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, तब तक हम इसको लगाते हैं। तो जो सेकंड में दिया है बच्चों जीरोस वो क्या हो गया सम ऑफ जीरोस, फार्मूला तो पूरा वही रहेगा सेकंड के लिए, तो सम ऑफ जीरोस जो हो जाएगा बच्चों सारी कुछ चीजें वही रहेंगी, ये सब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो टू अल्फा बाई बीटा प्लस टू बीटा बाई अल्फा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बच्चों कितना आ गया अल्फा बीटा, बीटा से करेंगे कितना आएगा अल्फा, अल्फा पहले ही सही है कितना हो जाएगा टू अल्फा स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा टू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा। तो बच्चों इस तरह का पहले हम एक्सप्रेशन बना चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आप पता करोगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पता कर देते हैं फिर रख देते हैं। तो हमको तो फार्मूला पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पता है कितना है टू, रख दीजिए माइनस टू अल्फा बीटा कितना है बच्चों थ्री, रख दीजिए तो ये हो गया फोर माइनस सिक्स बच्चों कितना हो गया माइनस टू, यानी इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई टू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू इंटू माइनस टू अपान में अल्फा बीटा कितना है बच्चों थ्री, तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो गई फोर बाई माइनस फोर बाई थ्री, तो ये बच्चों वैल्यू किसकी हुई
ये वैल्यू हुई आपकी सम ऑफ जीरोस की, यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी हो गई -4/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए लीजिए 2α/β इनटू 2β/α। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, वाह कितना आसान था ये। तो कितना हो गया 4, तो सम ऑफ जीरोस बच्चों कितना आ गया -4/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 4। लिख लेते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस बच्चों कितना है -4/3। लिख दीजिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी था बच्चों, स्किप कर दिया मैंने, प्रीवियस वाले भी में किया है, k रहेगा वहां पे, आप टेनिंग ऑल जीरोस वाले में k कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। और तो इसको लिख लेते हैं k टाइम्स, ये हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों 4। या तो आप इतने ही पे छोड़ सकते हैं या फिर और सिंपल कर सकते हैं। तो सिंपल बच्चों कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो गया 3x² - 4x + कितना हो गया 12। अब इसको बाहर ले लेते हैं 3 को, k/3 3x² - 4x + 2। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा आंसर लिखे सर, पहला वाला कि दूसरा वाला। तो बच्चों दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो अल्फा और बीटा जीरो दिया रहेगा उससे अल्फा प्लस बीटा बना लेंगे, अल्फा बीटा बना लेंगे। फिर अगर आपको नया पॉलीनोमियल लिखना होगा तो बस एक चीज याद रखिएगा कि ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले में क्या रिक्वायर है, इस फार्मूले में रिक्वायर है सम ऑफ जीरोस और क्या रिक्वायर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोस जो भी जीरोस दिया है उसका बना लेंगे, अगर उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आता है तो उसका यूज करके वैल्यू इन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बना लेंगे, अगर उसमें अल्फा आएगा बीटा आएगा तो वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे, और उसको इवेल्युएट करने के बाद सम की जगह वैल्यू रख देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू जगह वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलीनोमियल का लास्ट लेक्चर है। अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको डाउट होगा क्वेश्चन का तो उसका एक वीडियो बना देंगे, दूसरा अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल अभी मैं देखता हूँ अगर होगा तो उसका दो वीडियो या एक वीडियो होगा वो बना दूंगा। तो इन सब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, उसमें सारे वीडियो एक स्टार्टिंग से लगे हैं, तो जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है वो पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करे ताकि उसको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। तो अगले क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।